हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारी इस क्लास में मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, आज की वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी थर्ड ईयर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम है सिलिकॉन्स एंड फॉस्फाजीन। दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड जो सिलिकॉन टॉक का टॉपिक था वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। सिलिकॉन से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स थे वो उस वीडियो में, सिलिकॉन की वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। जिसने देख लिया है वो आज फॉस्फाजीन की वीडियो देख लेगा, क्योंकि आज मैं जो टॉपिक यहाँ पर इस वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ वो है फॉस्फाजीन। देखिए दोस्तों, फॉस्फाजीन से रिलेटेड जैसे इसका इंट्रोडक्शन हो गया, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, इसकी प्रॉपर्टीज में आपको पता है कि केमिकल और फिजिकल दो प्रकार की प्रॉपर्टी होती है, तो इसे भी हम डिस्कस करेंगे। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, चाहे अगर आपको क्वेश्चन थ्योरेटिकली पूछा जा रहा है, चाहे आपसे फिजिकली मतलब कि एमसीक्यूज के माध्यम से पूछा जा रहा है, इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वहीं से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद इसके यूजेस और लास्ट में जो टॉपिक है इससे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज मैंने देखे हैं, इसीलिए मैंने ये टॉपिक भी इसी वीडियो में कवर करना चाहा। हालांकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स टीचर होते हैं जो करते क्या है कि अलग अलग इस एक ही टॉपिक से रिलेटेड अलग अलग वीडियोस को बना देते हैं, जैसे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन अलग हो गया, ये अलग हो गया, उससे आपको फाइंड आउट कर उसे आपको दोबारा से फाइंड आउट करना होता है कि कहां पर वो टॉपिक है, कहां पर वो टॉपिक है। लेकिन इस वीडियो में आपको फॉस्फाजीन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपके जो आपके सिलेबस के अंदर आते हैं वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो फॉस्फाजीन का सबसे पहले हम करेंगे इंट्रोडक्शन, ताकि हम समझ सकें, क्योंकि इंट्रोडक्शन के बाद ही, पहले आप इंट्रोडक्शन को समझोगे, इसके बाद आप केमिकल प्रॉपर्टीज तक पहुंचोगे, तभी आपको पता चलेगा कि केमिकल प्रॉपर्टीज में जो हमने कंपाउंड लिया है, जो रिएक्टेंट लिया है, वो किस प्रकार से रिएक्शन करता है, कहां से बॉन्डिंग ब्रेक होती है, फिर कहां से हमारा प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो इन्हीं सब बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इस वीडियो को डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे फॉस्फाजीन इंट्रोडक्शंस। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसके कुछ बेसिक यूनिट्स हैं, जो भी बेसिक बातें हैं वो हम सीख लेंगे, जिससे कि हमें आगे जाकर कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए, सबसे पहले इन पॉइंट्स को नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज के माध्यम से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज फॉस्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड्स। इन्हें हम फॉस्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें फॉस्फोरस प्लस नाइट्रोजन और प्लस क्लोरीन भी पाया जाता है, इसलिए इसका नाम फॉस्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड भी कहा जाता है। मतलब कि फॉस्फाजीन्स को हम फॉस्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। अब सेकेंड है, दीज देयर जनरल फॉर्मूला। इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो ये होता है, पी मतलब कि फॉस्फोरस, एन मतलब नाइट्रोजन, और एक्स का मतलब हेलोजन नहीं, एक्स का मतलब कोई भी सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, HCN या मिथाइल CH3 या स्फिना, कोई स्फिनाइल C6H5, इस तरह का जो भी ग्रुप हो सकता है वो इस किस पर, यहाँ पर जो X2 आपको दिखाई दे रहा है ये फॉस्फोरस के ऊपर अटैच होता है, ठीक है। तो वेयर एक्स इज ए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, HCN, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर CH3 या C6H5 एटसेट्रा, ठीक है। तो आप उसके बाद देखिए, यहाँ पर दीज कंपाउंड्स में भी फाउंड इन साइक्लिक एंड चैन फॉर्म, मतलब कि ये श्रृंखला के रूप में, चैन के फॉर्म में भी पाए जाते हैं, जैसे मैंने आपको सिलिकॉन में बताया था, ठीक उसी प्रकार से ये चैन के रूप में भी पाए जाते हैं, और उसके बाद ये साइक्लिक फॉर्म में भी पाए जाते हैं, एक साइकिल की तरह एक रिंग भी बना सकते हैं। इनके अंदर थोड़ा बहुत एरोमेटिक करेक्टर भी इसीलिए आ जाता है, क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, रिपीटेड यूनिट। अब इनकी जो रिपीटेड यूनिट होती है, जिसे हम मोनोमर भी बोलते हैं, क्योंकि देखिए पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमर वो होता है, पॉली का मतलब होता है मेनी, बहुत सारी संख्या, जैसे पॉली, और मर का मतलब होता है यूनिट, तो बहुत सारी यूनिट्स मिलकर के पॉलीमर बनाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये एक मोनोमर है, ठीक है। जैसे मैंने सिलिकॉन्स का भी बताया था, ग्लूकोज में क्या होता है, ग्लूकोज एक सबसे छोटी यूनिट, कार्बोहाइड्रेट्स के सबसे छोटी यूनिट जिसे हम मोनोमर बोलते हैं वो होता है ग्लूकोज, ठीक है। या फिर आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे ये दीवार है, ये दीवार कई बहुत सारे ईंटों से मिलकर बनी है, ठीक है। तो ईंट जो होता है वो मोनोमर होगा इस पूरे दीवार का, ठीक है, इस कमरे की दीवार का जो ईंट होगा वो मोनोमर का कार्य करे, उसे मोनोमर बोलेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे ईंटें मिलकर के एक दीवार बना रही है, तो बहुत सारे मोनोमर मिलकर के एक पॉलीमर बना रहे हैं, तो यहाँ पर ये सबसे छोटी यूनिट होती है, इसे हम बोलेंगे कि ये मोनोमर है। ये किसकी मोनोमर है, ये हम फॉस्फोजीन्स की सबसे छोटी यूनिट्स है, एक यूनिट है। अब ऐसे ऐसे बहुत सारी यूनिट्स मिलकर के कंपाउंड पॉलीमराइजेशन करके पॉलीमर बनाते हैं, ठीक है। आगे है इम्पॉर्टेंट कंपाउंड। अब देखिए दोस्तों, इस यूनिट्स मतलब कि इस यहाँ पर ये तो फॉस्फाजीन का जो सबसे मेन, यहाँ पर जैसे आप जैसे जैसे इसके अगर आप इसके इस बहुत सारे कंपाउंड्स अगर काउंट करना चाहो तो बहुत सारे कंपाउंड्स बन जाएंगे, जो कि आपके सिलेबस में नहीं होंगे, लेकिन जनरली इसका जो कंपाउंड्स होते हैं वो हम इस पर स्टडी करेंगे, PnCl2।
मतलब कि इससे इसी से रिलेटेड कैसे बनाए PnCl2। तो जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस में जो XX है या ये जो X प्रतिस्थापी समूह या फिर जिसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड, यहाँ हमने लगा देंगे क्लोरीन एटम, दोनों क्लोरीन एटम यहाँ पर लगा देंगे और नाइट्रोजन एटम यहाँ पर, फास्फोरस यहाँ पर। तो ये हमें कंपाउंड मतलब कि यहाँ पर ये PnCl2 की स्ट्रक्चर हमारे सामने निकल के आ जाएगी। और इसके बाद द वैल्यू ऑफ एन, ये जो एन की वैल्यू है इसे जनरली 3 से 7 तक के हम ले सकते हैं, ठीक है। अब इसी की स्ट्रक्चर यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इस PnCl2 से रिलेटेड जितने भी आपके यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, जितने भी कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये मैंने कर लिया वीडियो को नीचे, आप देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए PnCl2 N। अब N की वैल्यू कोई भी हो सकती है, मगर अगर हमने N की वैल्यू 3 रख दी तो इसका यहाँ पर इस प्रकार का कंपाउंड प्राप्त होगा PnCl2 3 4 5 6 7। अब इनका नाम कैसे दिखेंगे, तो नाम जो उसका नाम होगा उसका याद करने का सबसे अच्छा तरीका देखिए मेरे साथ, जैसे कि ट्राई को, अब आपको पता है कि 3 को हम बोलते हैं केमिस्ट्री में ट्राई, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई फोस्फो नाइट्रिलिक क्लोराइड, ठीक है, ट्राई फोस्फो नाइट्रिलिक क्लोराइड इस प्रकार से बोल सकते हैं। अब इसका क्या नाम होगा, टेट्रा फोस्फो नाइट्रिलिक क्लोराइड। तो सबसे पहले आपको जो होल के बाहर जो नंबर होगा उसका उसे देखना है, तो जैसे ये है पेंटा, उसके बाद डायरेक्ट फोस्फोरस पे आना है, तो पेंटा फोस्फो नाइट्रिलिक क्लोराइड, ठीक है। तो इस प्रकार से हेक्सा नाइट्रो हेक्सा फोस्फो नाइट्रिलिक क्लोराइड, और यहां पर मैं 7 लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, हेप्टा फोस्फो नाइट्रिलिक क्लोराइड। तो ये जो है इनमें से, अब आपको बता दूं कि ये कंपाउंड आपके सिलेबस में है, और इसमें से सब जो सबसे मेन जिस पर हम केमिकल प्रॉपर्टीज से लेकर के सब कुछ स्टडी किया गया है, जो आपके सिलेबस में पूरी तरह से शामिल है, जिन पर हमें पूरी तरह से स्टडी करना है, वो ये दोनों है, जिसका नाम है ट्राई फोस्फो नाइट्रिलिक क्लोराइड, इसका नाम है टेट्रा फोस्फो नाइट्रिलिक क्लोराइड। तो आप नाम इसी प्रकार से लेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताया था कि इसके होल के बाहर जो भी नंबर है टेट्रा फोस्फो नाइट्रिलिक क्लोराइड। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे किस प्रकार से नाम लिखना है। दोस्तों ये इसकी स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहाँ पर तीन का क्या मतलब है कि ऐसी ऐसी PnCl2 की एक, जैसे कि आपको बने बताया था कि PnCl2 एक क्या है, ये एक मोनोमर है, ठीक है। अब ये मोनोमर की तीन मोनोमर मिल करके इस तरह की स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसका नाम है ट्राई फॉस्फो नाइट्रिलिक क्लोराइड, इसकी स्ट्रक्चर ये है। अब आप इसी को ले लो, देख रहे ये फास्फोरस है, 2 क्लोरीन एटम है और ये नाइट्रोजन यहाँ पर जुड़ गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के ये एक यूनिट हुआ। अब आप लोग यहाँ पर सोच रहे डबल बॉन्ड कैसे बन गया फास्फोरस में, तो दोस्तों फास्फोरस के पास होता है लोन पेयर, आपने जैसे कि नाइट्रोजन के पास भी होता है फास्फोरस, जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ आपने ये देखा होगा पेरियोडिक टेबल में। तो जिस प्रकार से फास्फोरस अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करोगे तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे, 3 तो जनरली बॉन्ड बनाते हैं और एक जो होता है वो लोन पेयर के रूप में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर लोन पेयर वो यहाँ पर यूज हो चुका है, तो उस लोन पेयर के द्वारा यहाँ पर बॉन्ड बना है नाइट्रोजन के साथ। अब ये तीन इस प्रकार के जो PnCl2 आपको दिखाई दे रहा है, इस प्रकार के तीन यूनिट्स, तीन मोनोमर मिलकर के पूरी पूरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये है PnCl2 3 की स्ट्रक्चर। अब टेट्रा फॉस्फो नाइट्रिलिक क्लोराइड इसकी स्ट्रक्चर कैसी है ये आप देख सकते हैं, कैसे बना होगा आप ये भी समझ सकते हैं, सभी पर एक एक क्लोरीन एटम है, ठीक है। यहाँ पर भी देखोगे फास्फोरस पर एक क्लोरीन एटम, यहाँ एक क्लोरीन एटम, यहाँ एक फास्फोरस पर 2 क्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं इसकी हेल्प से कि कितने क्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं, तो 3 × 2 = 6 क्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं, यहाँ से आप लगा सकते हैं 1 2 3 4 5 6 स्ट्रक्चर में, अगर बिना स्ट्रक्चर देखे आप यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि 3 × 2 = 6 क्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं, 4 × 2 = 8 क्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर ये होगी, इनकी स्ट्रक्चर को ध्यान से देख ले क्योंकि इन्हीं पर हम केमिकल प्रॉपर्टीज से लेकर के फिजिकल प्रॉपर्टीज से लेकर सब कुछ इन्हीं पर हम डिस्कस करेंगे। ये फास्फोरस आप यहाँ पर देख सकते हैं नाइट्रोजन एटम के द्वारा डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, एक यूनिट ये हो गई पूरी, एक यूनिट यहाँ पर, एक यूनिट यहाँ पर और एक यूनिट यहाँ पर, 4 यूनिट्स मिलकर के यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 यूनिट्स मिलकर के PnCl2 की टेट्रा फोस्फो नाइट्रिलिक क्लोराइड बनाती हैं, 3 यूनिट्स मिलकर के, 3 मोनोमर मिलकर के ट्राई फोस्फो नाइट्रिलिक क्लोराइड बनाते हैं। तो ये थोड़ा था बेसिक इंट्रोडक्शन, अब बढ़ते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, इनके बनाने की विधि, ठीक है। हेडिंग डालेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि किस प्रकार से इन्हें बनाया जाता है। तो सबसे पहला है फर्स्ट NH3 रिएक्ट विद अमोनिया, जो है रिएक्ट करता है PCl5 के साथ, फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ, टू फॉर्म मिक्सचर ऑफ ट्राई टेट्रा फोस्फो नाइट्रिलिक कंपाउंड। मिक्सचर देता है ट्राई और टेट्रा कंपाउंड फॉस्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड्स का मिक्सचर बनता है, जैसे आप देख सकते हैं 3 PCl5 PCl फास्फोरस पेंटा क्लोराइड के 3 मॉलिक्यूल्स लिए हैं और NH3 अमोनिया के 3 मॉलिक्यूल्स लिए हैं,
जब ये आपस में रिएक्शंस करते हैं तो ट्राइफॉस्फोनाइट्रिक क्लोराइड यहाँ पर हमें प्राप्त होता है। उसके बाद यहाँ पर अगर रिएक्शंस को बैलेंस करना चाहें तो यहाँ पर 9HCl जो है बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि हमने लिए थे, अगर हम यहाँ से आप 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 क्लोरीन एटम, यहाँ पर आपको पता लगेगा कि हमने आप PCl5 में लिया था 15 क्लोरीन एटम, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन 9 हाइड्रोजन एटम यहाँ पर, तो आप Cl2 6 क्लोरीन एटम यहाँ पर आ गए इस कंपाउंड के पास, बाकी बचे 9 क्लोरीन एटम इस 6 हाइड्रोजन एटम के साथ, 3 यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 में से यहाँ पर 9 हाइड्रोजन एटम यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको बैलेंस हो जाती है, 9 हाइड्रोजन एटम और साथ में 9 यहाँ पर क्लोरीन एटम आपस में रिएक्शंस कर लेते हैं और यहाँ पर बन जाता है हमारे पास ये रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। यहाँ पर 4 PCl5 मतलब PCl5 के 4 मॉलिक्यूल्स प्लस NH3 के 4 मॉलिक्यूल्स जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनता है टेट्राफॉस्फोनाइट्रिल क्लोराइड प्लस 12HCl जो है बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर भी अगर आप बैलेंस करना चाहें तो आपने कितने लिए थे, 5 × 20 क्लोरीन एटम लिए थे, उसके बाद यहाँ पर 4 × 12 या 3 × 12 हाइड्रोजन एटम लिए थे, तो 12 हाइड्रोजन एटम यहाँ पर और 20 में से 12 क्लोरीन एटम यहाँ पर आ जाएंगे, बाकी 4 × 2 = 8 क्लोरीन एटम इस PnCl2 के साथ होंगे। अब उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकेंड मेथड है टेट्रा सल्फर टेट्रानाइट्राइड, मतलब कि 4 सल्फर एटम है और 4 नाइट्रोजन एटम आपस में, जब ये कंपाउंड है जो कि जिसके 3 मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक कंपाउंड है जिसके 3 मॉलिक्यूल्स हैं प्लस 6SOCl2 के साथ जब आपस में रिएक्शन होती है प्लस 12 PCl3 के मॉलिक्यूल्स हमने लिए हैं, तो इन तीनों को जब हम ऐड कर देते हैं यह है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है, इसके 12 मॉलिक्यूल्स हैं, तो जब ये आपस में तीनों रिएक्शंस करेंगे कंपाउंड तो हमें प्राप्त होगा ट्राइफॉस्फोनाइट्रिल क्लोराइड के 4 मॉलिक्यूल्स प्राप्त होंगे। एक बार फिर से कि ट्राइफॉस्फोरिक नाइट्रिल क्लोराइड के 4 मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं प्लस 18 सल्फर बाहर निकल जाएंगे प्लस 12 Cl2 बाहर अलग से निकल जाएंगे क्लोरीन एटम और 3O2 जो है बाहर निकल जाएंगे। तो ये हमारा 2 मेथड थे बनाने के जो कि इंपॉर्टेंट थे जिससे हम फॉस्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड्स को बना सकते थे। तो ये दोनों मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों के दोनों कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट है, इसकी स्ट्रक्चर मैंने स्टार्टिंग में ही आपको दिखा दी थी, इसे आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। दोस्तों नोट करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, अब इन कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम बात करें तो हमें इन दोनों कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखना होगा। एक ये कंपाउंड हमारे पास ट्राइफॉस्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड या फिर क्लोराइड, यहाँ पर टेट्राफॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड। तो सबसे पहले बात करें ट्राइफॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड की, इसे एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, व्हाइट कलर का एक क्रिस्टलाइन सॉलिड। उसके बाद हम इसकी व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अब इसी कंपाउंड की अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, गलनांक की अगर हम बात करें तो 114 डिग्री सेल्सियस पर ये गलता है, और बात करें इसके बॉइलिंग पॉइंट पर तो बॉइलिंग पॉइंट इसका 256 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो वहां पर आपने देखा कि इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट 114 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट 256 डिग्री सेल्सियस। अगर हम बात करें इसकी सॉल्युबिलिटी की, सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है घुलना, ये किस कंपाउंड में घुल रहा है या किस कंपाउंड में नहीं घुल रहा है। वैसे जनरली वाटर हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, बेसिक सेकंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले ही पढ़ चुके हो कि वाटर इज कंसीडर एज ऑलवेज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्यों, क्योंकि वो सभी लगभग बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आसानी से घोल देता है, सोल्युबल सभी के सभी उसमें आसानी से सोल्युबल होते हैं। तो यहाँ पर ये जो होता है ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ईथर, इसमें ये सोल्युबल है, ठीक है, बाकी सब जो वाटर होता है उसमें इनसोल्युबल होता है, मतलब आसानी से नहीं घुलता। अब हम वहां बात करें इसके फोर्थ नंबर पर, ये अब यहाँ पर था ट्राइफॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड, अब यहाँ पर है टेट्राफॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड। अब इसे ये भी इट इज ऑल्सो इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और उसके बात करें इसके मेल्टिंग पॉइंट की, मतलब गलनांक की, तो 123.5 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट 328.5 डिग्री सेल्सियस। तो आपने क्या देखा यहाँ पर, सिर्फ एक यूनिट के बढ़ जाने से, एक मोनोमर के बढ़ जाने से यहाँ पर इसके
बॉइलिंग पॉइंट में कितना अंतर आया आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पर इसकी मेल्टिंग पॉइंट में इतना अंतर आया और इसके बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर 256 है तो इसका 328 है। किसकी वजह से? सिर्फ एक यूनिट इंक्रीज कर दिया हमने, क्योंकि इसमें इसमें कितना डिफरेंस है, डिफरेंस इन दोनों में, इन दोनों में सिर्फ एक यूनिट, एक मोनोमर का डिफरेंस है। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम मोनोमर को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते जाएंगे। तो अगर आपको एमसीक्यूज में क्वेश्चन इस प्रकार से दे दिया जाता है कि चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे इनके इंक्रीजिंग अवस्था में, तो आप वहां पर कौन सा सिलेक्ट करोगे? अगर आपसे पूछ जाएगी इनके बॉइलिंग पॉइंट में या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे दे, या फिर आपसे ये कह दे कि इसमें किसका सबसे ज्यादा, कि किस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, तो आप जिस पर यहाँ पर ये जो संख्या है, ये यहाँ पर एन की जो वैल्यू है जिस पर सबसे ज्यादा होगी आप वहीं पर टिक कर लेना, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। अब उसके बाद लास्ट है, दिस कंपाउंड्स आर टॉक्सिक इन नेचर। मतलब टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला, ठीक है ना, थोड़ा जहरीली टाइप का होते हैं, मतलब टॉक्सिक इन नेचर। ये जो कंपाउंड होते हैं इसमें आपको पता है सल्फर प्रेजेंट होता है पहले से, सल्फर सल्फर और नाइट्रोजन, ये लगभग लगभग ये जहरीले कंपाउंड्स में होते हैं, मतलब कि दीज आर कंपाउंड्स आर टॉक्सिक इन नेचर। तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम हेडिंग डालेंगे आप लोग केमिकल प्रॉपर्टीज। दोस्तों केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस पे हीट का क्या इफेक्ट होता है। अगर आप इसमें इसे गर्म करते हैं, इन दोनों कंपाउंड्स को अगर आप गर्म करते हैं, मतलब कि इससे रिलेटेड और भी जितने भी कंपाउंड्स हैं, अगर हम एन की वैल्यू 5, 6, 7, 8 रख दें, तो इन कंपाउंड्स को अगर आप हीट करते हैं 250 डिग्री सेल्सियस पर, तो होता क्या है, ये पहले पॉलीमराइज हो जाते हैं, मतलब कि ये आपस में बहुत बहुत ज्यादा पॉलीमराइज होकर, मतलब कि इसके सभी जो यूनिट्स हैं वो आपस में अच्छी तरह से जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद पॉलीमराइज होने के बाद ये एक फ्लेक्सिबल, मतलब कि एक लचीले रबड़ के समान हो जाते हैं, ठीक है, और वो भी हाई मोलिकुलर के क्लोराइड के मतलब कंपाउंड्स बना लेते हैं। मतलब अब इनकी जो मोलिकुलर वेट होगा वो ज्यादा हाई होगा, ठीक है। तो ये इसका इफेक्ट ऑफ हीट था, जो कि मतलब कि उष्मा का क्या प्रभाव होता है। अगर आप यहाँ पर ट्राई फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड को या फिर टेट्रा फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड को जब 250 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं, तो सबसे पहले इनका होता है पॉलीमराइजेशन, फिर उसके बाद ये फ्लेक्सिबल रबड़ के जैसे एक स्ट्रक्चर, मतलब कि एक कंपाउंड्स बना लेते हैं जो कि फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। तो इसे नोट कर लेंगे दोस्तों। सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है, ये कंपाउंड्स देते हैं किस प्रकार से, ये जो क्लोरीन एटम आपको दिखाई दे रहा है, ये क्लोरीन एटम किसी भी ग्रुप जैसे कि OH ग्रुप या मिथाइल ग्रुप या इथाइल ग्रुप, इन सभी ग्रुप्स के द्वारा सब्स्टिट्यूटेड जो ग्रुप्स होते हैं उनके द्वारा ये प्रतिस्थापित हो जाते हैं, सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, जिसके कारण ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, यह है ट्राइफॉस्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड, एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ, ये यही स्ट्रक्चर है ट्राइफॉस्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड, जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसकी स्ट्रक्चर है, ठीक है। सबसे पहले मैं ट्राइफॉस्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड्स की हाइड्रोलिसिस स्ट्रक्चर बता देता हूँ। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर के जो मॉलिक्यूल है उनका ऐड होना, हाइड्रोलिसिस कहलाता है। तो सबसे पहले देखिए, अगर इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, आपको पता है कि 6 मॉलिक्यूल हमने वाटर के लिए है, ठीक है। 6 मॉलिक्यूल क्यों लिए हैं? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो क्लोरीन एटम है वो पूरे 6 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर यहाँ पर 7 क्लोरीन एटम होते, अगर आप यहाँ पर 5 क्लोरीन एटम ले ले तो होगा क्या? सबसे पहले यहाँ पर ये समझेंगे जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो कैसे ब्रेक होता है। आपको पता है कि H+ OH- में ब्रेक होता है, ठीक है। अब इसी प्रकार से 6H+, 6OH+, मतलब कि यहाँ पर 6 इस प्रकार से मैं दिखा दूं, जैसे कि 1 यहाँ पर है, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल मैं ले लूंगा, ठीक है। यहाँ पर ले लेता हूँ मैं 6 मॉलिक्यूल H2O, वो मैंने इसलिए लिया 6 मॉलिक्यूल क्योंकि ये OH ग्रुप है, ये सब्स्टिट्यूट करेगा क्लोरीन एटम को, ठीक है। तो अगर आप 5 वाटर के मॉलिक्यूल लेते हो तो यह 5 यहाँ पर से जो 1, 2, 3, 4, 5 सिर्फ 5 क्लोरीन एटम ही सब्स्टिट्यूट होंगे, बाकी 1 क्लोरीन एटम बच जाएगा। तो जितने वाटर के आप मॉलिक्यूल लोगे उतने ही क्लोरीन एटम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। तो हम सभी हम 6 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो क्लोरीन एटम दिख रहा है ये इस OH के दो ग्रुप के द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है। कैसे हो जाता है? जैसे आपको पता है कि फास्फोरस और क्लोरीन के बीच अगर बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इस पर आएगा माइनस चार्ज और इस पर आएगा प्लस चार्ज। दूसरी तरफ इसी प्रकार से जितने भी आपको फास्फोरस और क्लोरीन एटम के बीच बॉन्ड बना है सभी क्लोरीन पर आएगा माइनस 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 चार्ज, ठीक है, और फास्फोरस पर यहाँ पर डबल चार्ज आता रहेगा। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं डबल चार्ज आ गया। अब ये क्लोरीन एटम
अब दूसरी तरफ मैंने आपको बताया था कि वाटर की जब मॉलिक्यूल ब्रेक होते हैं तो इस पे H प्लस OH माइनस, ठीक है, तो ये H प्लस 6 H प्लस यहाँ पर बनेंगे, वाटर के 6 H प्लस बनेंगे, वो इस HCl के साथ बाहर निकल जाएंगे। तो सबसे पहले माइनस 6 HCl हम बाहर कर देते हैं, माइनस 6 HCl हो जाएंगे बाहर एलिमिनेट। अब ये OH माइनस कहां पर जुड़ेंगे, माइनस प्लस पर जुड़ेगा, जो फास्फोरस पर प्लस चार्ज आया हुआ था वो भी दो प्लस चार्ज है तो दो पर इस प्रकार से जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो सभी जब OH ग्रुप सभी वहां पर फास्फोरस पर जुड़ जाएंगे तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर हमें प्राप्त हो जाएगी। अब दोस्तों होता क्या है कि समझने वाली बात यहां पर है, हम इसका कर देते हैं आइसोमराइजेशन, समायोजीकरण। क्यों करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो OH ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है इनके बीच होता है रिपल्सन, ठीक है, ये पास पर, क्योंकि हर एक ये इस कंपाउंड पूरी तरह से स्टेबल नहीं होता। क्यों नहीं स्टेबल होता, क्योंकि जब OH OH में रिपल्सन होगा, OH ग्रुप में जब रिपल्सन होगा तो सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज होगी, जब सिस्टम क्योंकि रिपल्सन होगा तो सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज होती है किसी भी कंपाउंड की, तो एनर्जी कंपाउंड स्टेबल कब होगा, एनर्जी को लूज करके। तो इसका हम कर देंगे आइसोमराइजेशन, ठीक है। आइसोमराइजेशन करने पर होता क्या है कि ये एक एक हाइड्रोजन एटम यहाँ से निकल करके डायरेक्ट नाइट्रोजन एटम के पास जुड़ जाता है। अब ये जो नाइट्रोजन एटम का यहाँ पर बॉन्ड दिखाई दे रहा है ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब सभी के सभी जो बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक होकर के इस प्रकार से जुड़ जाएंगे, जैसे कि ये जो ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहा है, जैसे मैं अभी यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा दूं, ठीक है, तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन मैंने हटा दिया, अब यहाँ अब जोड़ दिया इस वाले नाइट्रोजन के पास, तो ये नाइट्रोजन इस समय कितने बॉन्ड बना सकता है, तीन बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब फास्फोरस का यहाँ से भी फ्री हो गया, यहाँ से भी फ्री हो गया, तो यहाँ पर बना देगा बॉन्ड इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से जुड़ जाएगा। ये नाइट्रोजन तो आपको पता है कि एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ और एक इस वाले के साथ, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें समझना है, मैं वापस इसी प्रकार से लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो इस प्रकार से इनका समावयवीकरण हो जाता है। होता क्या कि अब देखिए सभी जो हाइड्रोजन एटम है वो नाइट्रोजन एटम के प्रत्येक नाइट्रोजन एटम पर एक एक हाइड्रोजन एटम जुड़ जाता है, जिससे कि अब ये कंपाउंड पूरी तरह से स्टेबल हो गया है। तो ठीक इसी प्रकार से टेट्रा में भी होगा, ठीक है, टेट्रा में भी क्या होगा, चलिए वो भी दिखा देता हूं। दोस्तों अगर हम वहीं पर टेट्रा फॉस्फोनाइट्राइल क्लोराइड का अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो देखिए होगा क्या कि वहां पर भी जो क्लोरीन एटम है ये इस OH ग्रुप के द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 8H2O क्यों लिया है, आपको बताया था इससे पहले जो ये टेट्रामर स्ट्रक्चर है, इससे पहले ट्राइमर स्ट्रक्चर था, तो टेट्रामर स्ट्रक्चर है तो इसमें देखिए कितने क्लोरीन एटम है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्लोरीन एटम है, तो हमें इसका मतलब 8 OH ग्रुप चाहिए, मतलब कि OH जो होगा सब्स्टिट्यूट करने के लिए 8 OH चाहिए, इसलिए हमने 8 मॉलिक्यूल लिए हैं वाटर के। तो होगा क्या कि जब हम H+ वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक होगा H+ और OH- में, तो होगा कि यहां पर -8 HCl बाहर निकल जाएंगे, यहां से ये H और ये Cl बाहर निकल जाएंगे आपस में, ठीक है। अब यहां पर आपको प्लस माइनस का चक्कर मैंने पहले ही आपको बता दिया स्टार्टिंग में ही, क्या होगा यहां पर आएगा प्लस, यहां पर आएगा माइनस। अब ये OH- जो है इन सभी पर आकर के जुड़ जाएंगे फास्फोरस पर, और इस प्रकार से ये टेट्रामर स्ट्रक्चर इस प्रकार से OH ग्रुप को जोड़ लेगा। अब इसका हम कर अब आप मैंने आपको बताया था कि ये लेस स्टेबल होता है, क्योंकि OH OH ग्रुप में आपस में इन पे क्या होता है रिपल्सन होता है। अब रिपल्सन होगा तो एनर्जी इंक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी घट जाएगी। तो कोई भी मॉलिक्यूल एनर्जी मतलब कि अपनी स्टेबिलिटी को तभी वहां पर इंक्रीज करता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो एनर्जी को लूज करके अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। तो यहां पर देख सकते हैं इसका हम कर देंगे आइसोमराइजेशन, समायवीकरण। तो यहाँ पर ये जो OH ग्रुप है इसका एक एक हाइड्रोजन एटम जो है नाइट्रोजन एटम से जोड़ देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमने जोड़ दिया नाइट्रोजन एटम के साथ, और इसके जो OH है जो यहाँ पर ये ऑक्सीजन एटम इसे हम अंदर की तरफ कर देते हैं। अंदर की तरफ करने से ये बहुत ही स्टेबल कंपाउंड मतलब कि इस प्रकार से एक स्टेबल स्ट्रक्चर हमें प्राप्त हो जाती है, यहाँ पर रिपल्सन बहुत ही कम होगा तो ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा इस कंपाउंड के कंपेयर में। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसे आप नोट कर लें, ये था टेट्रा फॉस्फोनाइट्राइल क्लोराइड का, इससे पहले था ट्राई फॉस्फोनाइट्राइल क्लोराइड, ये है टेट्रा फॉस्फोनाइट्राइल क्लोराइड। अब नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास रिएक्शन विद NH3, अमोनिया के साथ अगर हम रिएक्शंस कराएंगे अपने कंपाउंड्स में तो क्या मिलेगा। सबसे पहले हमने ले लिया है ट्राई फॉस्फोनाइट्राइल क्लोराइड, तो ट्राई फॉस्फोनाइट्राइल क्लोराइड ले चाहे यहाँ पर हम ले लें टेट्रा फॉस्फोनाइट्राइल क्लोराइड, होगा क्या दोस्तों, सिर्फ यहाँ पर होगा क्या, सबसे पहले 12 NH3 के मॉलिक्यूल ले लिया हमने, 12 NH3 के मॉलिक्यूल लेंगे ताकि यहाँ पर NH, क्योंकि हमें यहाँ पर -6 NH4Cl निकालना होगा, यहाँ पर जो NH3Cl के रूप में नहीं निकलेगा, यहाँ पर जो कंपाउंड निकलेगा वो 6 NH4Cl के रूप में निकलेगा, तो 6 क्लोरीन एटम जो है निकल जाएंगे NH4Cl के रूप में, इसीलिए हमने 12 NH3 के मॉलिक्यूल लिए।
क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि सर आपने इससे पहले आपको बताया था कि वाटर के मॉलिक्यूल में जितने क्लोरीन एटम है उतने आपने ले लिए थे 6H2O, बट यहाँ पर आपने 12 लिए हैं, तो इसका कारण यही है दोस्तों, क्योंकि जो NH3Cl के रूप में नहीं निकलता, यहाँ पर जो कंपाउंड निकलेगा वो निकलेगा 6NH4Cl के रूप में। तो अब यहाँ पर जब ये 6NH4Cl के रूप में जब निकलेगा तो आप बैलेंस कर करके देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जो 12 NH3 के मॉलिक्यूल लिए हैं, इनमें से जो NH2 जो ग्रुप होता है वो क्लोरीन एटम को, एमीन ग्रुप जो होता है क्लोरीन एटम को सब्स्टिट्यूट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इस प्रकार की जो ट्राइमर स्ट्रक्चर वो इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगी, सभी क्लोरीन एटम की जगह आप देख सकते हैं कि एमीन ग्रुप है, NH2 एक अमीनो ग्रुप, इसे बोलते हैं एमीन ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि हमें इसे मैंने कि आपको बताया था कि अगर दो ग्रुप अगर आपस में एक ही जैसे हैं तो वहां पर रिपल्सन 100% होगा, ठीक है। अब जब रिपल्सन होगा तो एनर्जी इंक्रीज मैंने आपको बता दिया, तो यहाँ पर होगा कि रिपल्सन हटाने के लिए हमने 3NH3 में से माइनस कर दिए, ठीक है। जैसे कि मैं आप सब इन तीनों में से जैसे ये लूँ NH2 और एक इसका H ले लूँ, तो यहाँ पर 3NH3 माइनस हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको बताकर दिखा देता हूँ, यहाँ पर जैसे ये NH, ठीक है, अब यहाँ पर एक H इसका मैं बाहर कर देता हूँ, तो ये H इसका एक और एक NH2 ये, ठीक। इसी प्रकार से एक H इसका, जैसे मैं यहाँ पर बाहर कर देता हूँ इसका एक H, ये लीजिए। अब इसी प्रकार से इसका मैं एक H बाहर कर देता हूँ तो ये लीजिए, इन तीनों में से NH3 जो है बाहर निकल गया। अब बचा क्या, एक NH बचा है, यहाँ पर भी एक NH बचा है, यहाँ पर भी एक NH बचा है, लेकिन यहाँ पर पूरा पूरा बॉन्ड जो है वो निकल गया। तो यहाँ पर इस प्रकार की स्ट्रक्चर प्राप्त होगी, इसी स्ट्रक्चर को दोस्तों बोलते हैं फॉस्फॉर्म। तो ये MCQs में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आखिर फॉस्फॉर्म होता क्या है, फॉस्फॉर्म की स्ट्रक्चर क्या है, इसके बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर फॉस्फॉर्म कहलाती है जब अमोनिया। अब ठीक इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर टेट्रा फॉस्फोनाइट्राइल क्लोराइड ले लेते हो, ठीक है, तो वही होगा। अब देखिए मैं बार बार दो तरह से स्ट्रक्चर नहीं बना सकता, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ होता क्या है वहां पर। अगर आप यहाँ पर टेट्रा फॉस्फोनाइट्राइल क्लोराइड लोगे तो यहाँ पर आपको 12 NH3 लिए हैं, और टेट्रा फॉस्फो क्लोराइड में कितने एन लेने पड़ेंगे, 16 NH3 लेने पड़ेंगे। चलिए मैं लेकर दिखा देता हूँ ताकि आपको ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो। डायरेक्टली मैं यहाँ पर इसे मिटो देता हूँ, उसके बाद मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ टेट्रा फॉस्फोनाइट्राइल क्लोराइड की। ये देख सकते हैं आप इस प्रकार से यहाँ पर हमारा टेट्रामर जो कि इसका नाम है टेट्रा फॉस्फोनाइट्राइल क्लोराइड, जो कि 16 NH3 के मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं इस यहाँ पर क्लोरीन एटम को NH2 के द्वारा यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने के लिए। तो होगा क्या, यहाँ पर -8NH4Cl अमोनियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल जो है बाहर निकल जाएंगे, 8 अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। बाकी बचे NH2 ग्रुप, यहाँ पर ये जो क्लोरीन एटम होते हैं ये इसके साथ निकल जाते हैं 8 क्लोरीन एटम, बाकी हमारे पास जो NH2 ग्रुप जो बचे हुए थे वो इस प्रकार से जुड़ जाते हैं, एडिशन प्रोडक्ट बना लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि इसमें से हम इसे स्टेबल करने के लिए इसमें से 4NH3 हम माइनस कर लेते हैं, 4NH3 जब इसे इसमें से निकाल लेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि कैसे निकालते हैं, जैसे मैं इसका एक H बाहर कर दूँ ठीक इसी प्रकार से यहाँ से भी निकल जाएगा, इसका एक H मैं इस प्रकार से बाहर कर दूँ निकाल कर, इसे यहाँ पर NH3 बाहर निकल गया, यहाँ से भी एक NH3 बाहर निकाल लूँ, तो सभी चारों में से एक एक NH3 जो है हमें बाहर निकालना है ताकि ये कंपाउंड स्टेबल हो जाए। अब देखिए जैसे ही -4NH3 बाहर हुआ, ये इस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्म बना लेते हैं, ठीक है। तो इस कंपाउंड को नोट कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। थर्ड रिएक्शन है हमारे पास, रिएक्शन विद एल्कोहल। यदि ये एल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं हमारे कंपाउंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हम जो कंपाउंड्स यहाँ पर रिएक्शन करवा रहे हैं वो है पी फॉस्फोरस, यहाँ पर नाइट्रोजन और Cl2, यहाँ पर 3 और 4 ट्राइफॉस्फोनाइट्राइल क्लोराइड और टेट्राफॉस्फोनाइट्राइल क्लोराइड पर हम रिएक्शन करवा रहे हैं। तो सबसे पहले हम करवाते हैं ट्राइफॉस्फोनाइट्राइल क्लोराइड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ। आपको पता चल गया होगा कि 6C2H5OH क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर 3 क्लोरीन एटम है, ठीक, वहां पर 6 क्लोरीन एटम है, इसलिए हमने 6 इथाइल अल्कोहल के 6 मॉलिक्यूल्स लिए हैं। अब इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं C2H5-, अब यहाँ पर आएगा ऑक्सीजन से अगर जुड़ा है तो इस पर आएगा माइनस, यहाँ पर आएगा प्लस, ठीक है, इस कार्बन पर आएगा प्लस, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा। दूसरी तरफ आपको पता है कि यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ पर आएगा प्लस, तो प्लस। अब इसी प्रकार से सभी OH, अब यहाँ पर जो C2H5 है, ठीक है, तो यहाँ पर -6HCl जो है बाहर निकल जाएंगे। होगा क्या कि सबसे पहले जो बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ पर आएगा प्लस, मतलब कि ये ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, यहाँ पर ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कार्बन के बीच नहीं, ये जो OH है, चलिए आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर को ओपन करके दिखा देते हैं इस प्रकार से, ठीक है।
अब इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि यह जो बॉन्ड है यहाँ पर आएगा प्लस चार्ज, यहाँ पर आएगा माइनस चार्ज। अब ये H प्लस रिएक्शन करेगा क्लोरीन एटम के साथ, सभी क्लोरीन एटम बाहर, क्योंकि छह हाइड्रोजन है, छह हाइड्रोजन निकाल के लेके चले जाएंगे क्लोरीन एटम को, ये 6HCl माइनस। अब यहाँ पर ये C2H5O हमारे पास जो ऑक्सीजन के साथ ये जो माइनस चार्ज बचा है, ये इस सभी बॉन्ड्स पर यहाँ पर फॉस्फोरस के सभी यहाँ पर कंपाउंड सभी एटम पर जुड़ जाते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही C2H5O एथोसाइड ग्रुप जो है इथाइल ऑक्साइड ग्रुप जो अब यहाँ पर सभी में जुड़ जाएंगे तो होगा क्या। अब यहाँ पर आप जुड़ने के बाद, अब ये मैंने आपको बताया था कि इनके बीच जो है रिपल्सन होगा तो क्या होगा, इनकी एनर्जी यहाँ पर इनकी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, कंपाउंड स्टेबल नहीं होगा। तो कंपाउंड को स्टेबल करने के लिए सबसे पहले 200 डिग्री सेल्सियस पर इसे हीट करेंगे और इसका आइसोमराइजेशन करते हैं। तो ये जो C2H5 ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ C2H5O ग्रुप, ये इस नाइट्रोजन एटम पर जुड़ जाता है एक एक। अब यहाँ पर फास्फोरस पर एक तो यहीं पर जुड़ा रहेगा, लेकिन ये वाला जो C2H5 है ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। अब नाइट्रोजन के साथ जब जुड़ने के बाद यहाँ पर ये स्टेबल कंपाउंड बना लेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बॉन्ड बना हुआ था नाइट्रोजन की, डबल बॉन्ड बना हुआ था, वो इस प्रकार से ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के बाद यहाँ पर C2H5 नाइट्रोजन के पास भी आ जाता है और ऑक्सीजन के पास। अब ये ऑक्सीजन एटम कहाँ था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं निकलता, सिर्फ C2H5 निकलता है, तो इसीलिए यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है C2H5 यहाँ पर जुड़ जाता है, ऑक्सीजन यहीं पर रहता है। सभी फास्फोरस और नाइट्रोजन पर आप देख सकते हैं, नाइट्रोजन पर C2H5 इथाइल ग्रुप जुड़ा होगा और फास्फोरस पर एक ऑक्सीजन एटम और साथ में ऑक्सीजन C2H5 जुड़ा होगा। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन विद PCl5 और सॉरी अल्कोहल के साथ है। अब इसी प्रकार से रिएक्शन अगर आप यहाँ पर टेट्रा लोगे, टेट्रा फॉस्फोनाइट्रेट क्लोराइड, वहां पर भी ठीक इसी प्रकार से होगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन को नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दोस्तों केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम अपने मेन प्रोडक्ट जो कि ट्राई फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड है उसकी रिएक्शन अगर बेंजीन से कराएं तो क्या होगा। आपको पता है बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, और किस प्रकार से बेंजीन जुड़े होते हैं आपको पता है, इस प्रकार से जुड़े होते हैं। ठीक है, इनके बीच रेजोनेंस होता है। आपको पता है कि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो दोस्तों अगर हम दो एरोमेटिक कंपाउंड ले रहे हैं, ठीक है, तो इसके साथ होगा क्या, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगी तो यहाँ से बेंजीन का आपको पता है कि एक हाइड्रोजन एटम, क्योंकि बेंजीन मैंने क्या कहा, हर एक कार्बन पर इस प्रकार से बेंजीन जुड़ेगा। अगर मैं बेंजीन की स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है बेंजीन की, जिसमें अब यहाँ पर एक एक कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, और सॉरी यहाँ पर मुझे इस प्रकार से बनाना चाहिए ये। अब एक एक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन इस प्रकार से जुड़े होते हैं। अब इससे बेंजीन जो है बैलेंस हो रही है पूरी की पूरी जो बेंजीन है। और ये जो बीच में पाई बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, तीन पाई बॉन्ड, एक दो तीन, ये रेजोनेंस कर रहे हैं, एक दो तीन ये रेजोनेंस कर रहे हैं, डीलोकलाइज हो रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं इस हाइड्रोजन को हटा कर दूं, रिप्लेस कर दूं, तो यहां से ये क्लोरीन एटम इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेगा, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं इस प्रकार से। ठीक है, अब दूसरे वाला जो यहाँ पर इसी प्रकार की जो दूसरे वाले बेंजीन की स्ट्रक्चर थी, क्योंकि हमने दो मॉलिक्यूल लिए बेंजीन के, तो वो इस वाले कार्बन को हटा देगा, क्लोरीन को हटा देगा, तो यहाँ पर ये जुड़ जाएंगे C6H5। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ पूरी तरह से, तो यहाँ पर इस प्रकार की अगर ओपन स्ट्रक्चर बनाऊँ C6H5 की, तो ये कुछ इस प्रकार से होगी, एक यहाँ पर रिंग होगी, एक बेंजीन रिंग यहाँ पर होगी, फिर उसके बाद पूरी स्ट्रक्चर होगी। अब यही काम आपको फिर दोबारा से कराना है, तो यहाँ ये क्लोरीन एटम भी सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, प्रतिस्थापित हो जाएंगे फेनिल ग्रुप के द्वारा, बेंजीन ग्रुप के द्वारा। अब यही काम आपने अगर फिर आगे कर दिया तो इस प्रकार से हमें कंपाउंड प्राप्त होगा। जैसे देखिए एक दो तीन चार, चार बेंजीन डेरिवेटिव प्राप्त हो गए। ठीक है, अब यही काम आप एक बार और करा दें तो इस प्रकार से हमें फाइनली सभी के सभी क्लोरीन एटम पर बेंजीन रिंग हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो इस पूरे बोर्ड तक के यहाँ पर पूरे ढक लेगा, क्योंकि यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अगर मैं ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर दूँ, जैसे यहाँ पर बेंजीन की ये स्ट्रक्चर मैंने बना दी। ठीक है, अब इसी प्रकार से और स्ट्रक्चर बेंजीन की, इसी प्रकार से यहाँ पर, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी एक बेहतरीन स्ट्रक्चर निकल के आएगी पंखे के समान। ये होता है दोस्तों हेक्साफेनिल डेरिवेटिव, मतलब कि फेनिल के डेरिवेटिव होते हैं, वो व्युत्पन्न होते हैं, मतलब कि इससे फेनिल को व्युत्पन्न किया जा सकता है। तो ये रिएक्शन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे हम नोट कर लेंगे, रिएक्शन विद बेंजीन, हमारा मेन कंपाउंड ट्राई फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो आपको पता है कि RMgX होता है। ठीक है, अब RMgX होता है तो X की जगह हमने ले लिया हेलोजन की जगह हमने ले लिया ब्रोमीन, और मैग्नीशियम यहाँ पर है, और R हमने जो एल्काइल ग्रुप नहीं फिनाइल ग्रुप लिया है। अगर हम एल्काइल ग्रुप लेते
तो यहाँ पर कुछ और रिएक्शन होती है, लेकिन हमने फिनाइल ग्रुप लिया है, तो ये फिनाइल ग्रुप क्या करेगा, ये इस क्लोरीन एटम के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा, फिनाइल ग्रुप और क्लोरीन एटम इस Mg के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पर इस प्रकार से क्लोरीन एटम की जगह यहाँ पर फेनिल ग्रुप यहाँ पर सभी पोजीशन पर जुड़ जाएंगे, जो इससे पहले वाली रिएक्शन मैंने आपको बताया था वही प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन यहाँ पर तरीका दूसरा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा बन रहा है, और उसके बाद 3MgCl2 बाहर निकल जाएंगे और 3MgBr2 बाहर निकल जाएंगे, मतलब यहाँ पर कोई स्पेसिफिक रिएक्शन नहीं हो रही, यहाँ पर हो रहा है कि ये मिक्सचर बन जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमें एक मिक्सचर प्राप्त हो जाता है इन दोनों का, जैसे कि अपन देख सकते हैं 3MgCl2 अलग और 3MgBr2 अलग, जबकि Br यहाँ से रिलेटेड है और क्लोरीन एटम यहाँ से रिलेटेड है, ये दोनों आपस में इस प्रकार से निकल जाते हैं 3MgBr2 प्लस 3MgCl2। अब रिएक्शन विथ हम बात करें लेड फ्लोराइड की, PbF2, लेड आपको पता है सीसा, Fb और फ्लोराइड मतलब F2। तो देखिए जब ये रिएक्शन यहाँ पर ये कौन सी रिएक्शन, आपको पता है ये कौन सा कंपाउंड है, ट्राई फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड के 8 मॉलिक्यूल है, ट्राई फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड के 8 मॉलिक्यूल है। अब देखिए 8 मॉलिक्यूल क्यों लिए, क्योंकि आप जब रिएक्शन कराते हैं तो आपको पूरे पूरे मॉलिक्यूल पूरे पूरे कंपाउंड लिए जाते हैं, रिएक्टेंट लिए जाते हैं, ताकि आपको पूरी तरह से वो रिएक्शन कंप्लीट हो सके, इसीलिए हम ये रिएक्शन जो मैं आपको करा रहा हूँ ये लैब में से प्रूफ होकर आई है, ये हम वैसे ही नहीं कर रहे हैं कि ऐसा रियल में होता है, ये प्रूफ हो चुका के तब यहाँ पर किताबों में छपती है, नोट्स में आती है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, अब ये PbF2 लेड फ्लोराइड के 15 मॉलिक्यूल हमने यहाँ पर लिए हैं, ठीक है, अब 8 मॉलिक्यूल यहाँ पर लिए हैं, इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो रिएक्शन भी आपकी बैलेंस हो जाएगी। अब हमें प्राप्त हो जाता है टेट्रा फॉस्फोनाइट्रिल, अब यहाँ पर नाइट्रिलिक क्लोराइड के साथ साथ फ्लोराइड भी प्राप्त हो रहा है, देखिए फ्लोरिन भी प्राप्त हो रहा है, उसके 3 मॉलिक्यूल इस तरह के मिक्सचर के मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं। तो ये रिएक्शन है लेड फ्लोराइड के साथ, जिसमें आप देखिए यहाँ पर रिएक्शन को अगर आप बैलेंस करना चाहो, यहाँ से टोटल मॉलिक्यूल्स की संख्या गिन लो, यहाँ पर टोटल मॉलिक्यूल की संख्या जब गिन लो तो यहाँ पर रिएक्शन जो है बैलेंस हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर 15 PbF2 था, अब ये जो F2 है ये क्लोरीन एटम के द्वारा थोड़ा वो सब्स्टिट्यूट जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं 15 PbCl2 आ गया, यहाँ पर फ्लोरीन की जगह क्लोरीन आ गया। इस रिएक्शन को भी देख लो, रिएक्शन विद KCNX पोटेशियम थायोसाइनेट, तो अब देखिए थायो बोलते हैं हम इसे, सल्फर ग्रुप को थायो भी बोलते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये पूरा जो उसका नाम होगा पोटेशियम थायोसाइनेट। तो अब देखिए जब इसके साथ रिएक्शन करेगा हमारा मेन कंपाउंड जो कि है PnCl2 का होल थ्राइस, क्योंकि होल थ्राइस इसलिए क्योंकि यहाँ पर कितने क्लोरीन एटम है, यहाँ पर ये तो क्लोरीन एटम इस प्रकार से 6 है, लेकिन यहाँ पर इसके 3 मॉलिक्यूल है PnCl2। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे पोटेशियम, इसके 6 मॉलिक्यूल लिए हैं, आपको पता है क्योंकि 6 क्लोरीन एटम को हमें सब्स्टिट्यूट करना है, प्रतिस्थापित करना है, तो इसलिए हमने 6 यहाँ पर हमने 6 पोटेशियम थायोसाइनेट लिए हैं। तो यहाँ पर अब ये जब इनके बीच रिएक्शन होगी तो आपको पता है कि कोई भी रिएजेंट, आज आपको एक बात बता देता हूँ कि कैसे सीखें, जैसे आप कोई भी रिएजेंट का अपने मेन कंपाउंड के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर वो ब्रेक कैसे होता है, ठीक है। जैसे आपको पता है CNS, अब इसमें पोटेशियम जो है एक मेटल की तरह होता है, तो मेटल सबसे पहले इसका जो मेटल का जो बॉन्ड होता है वो आयनिक होगा, क्यों होगा, क्योंकि उनके बीच कार्बन एक नॉन मेटल है, लगभग नॉन मेटल में आ जाता है और पोटेशियम एक मेटल में आ जाता है, तो इनके बीच जो बॉन्ड हो रहा है वो आयनिक है एक तरह से। तो यहां पर क्या होगा कि अब जैसे कि आपको पता है कि K+ जब इनके बीच जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये K+ और यहाँ पर CNS- हम कह सकते हैं, इस प्रकार से ब्रेक होगा। तो K+, अब दूसरी तरफ आपको पता है कि यहाँ से तो डायरेक्टली बॉन्ड में ब्रेक हो रहा है, अब तक के हम देखते आ रहे हैं कि आप क्लोरीन जो है माइनस चार्ज के रूप में निकल जाता है, फॉस्फोरस तो प्लस से आ जाता है, 2+ से आ जाते हैं क्योंकि 2 क्लोरीन एटम निकलते हैं, अब ऐसा सभी ग्रुप सभी फॉस्फोरस के साथ सेम यही घटना होती है। तो होगा क्या कि ये जो K+ है ये Cl के साथ रिएक्शन कर लेगा, KCl-, 6 KCl के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। अब यहाँ पर ये CNS जो बचा हुआ है हमारे पास, ये जाकर के यहाँ इसके इस फॉस्फोरस पर जुड़ जाता है, तो इस प्रकार से हमें कंपाउंड प्राप्त हो जाता है, HCN जुड़ जाएगा, ठीक है। इसका क्या नाम होगा, इसका ट्राई फॉस्फोनाइट्रिलिक थायोसाइनेट हो जाएगा, ट्राई फॉस्फोनाइट्रिलिक थायोसाइनेट, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे हम अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बस इस रिएक्शन को ध्यान से समझ लें बस, बाकी ये लास्ट रिएक्शन है, बाकी उसके थोड़ी सी प्रॉपर्टीज भी बता दूंगा उसके बाद। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि हमारा आपको पता है कि ये मेन कंपाउंड है जो कि PnCl2 का होल थ्राइस ट्राई फॉस्फोनाइट्रिल क्लोराइड, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन जब हम 6NaF के साथ कराएंगे,
मतलब यहाँ पर सोडियम फ्लोराइड की बात हो गई है। 6 मॉलिक्यूल ले लिए हमने सोडियम फ्लोराइड के, जब ये रिएक्शन करेगा तो आपको पता है कि जो सोडियम Na प्लस और F माइनस में ब्रेक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर Cl माइनस में, यहाँ पर प्लस में जो ब्रेक होगा, यहाँ पर भी आपको पता है Cl माइनस ये प्लस में जाएगा। अब ये होगा क्या कि ये जो Na है प्लस का माइनस के साथ जोड़ दो, तो इसी प्रकार से सभी क्लोरीन एटम जो है सोडियम के द्वारा 6NaCl के रूप में बाहर निकल जाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिख दूं कि, या तो यहाँ पर लिख दूं कि 6NaCl जो है माइनस हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अब होगा क्या, बचेगा हमारे पास फ्लोरीन एटम, ये फ्लोरीन एटम प्लस चार्ज पर जुड़ जाएगा, तो इस प्रकार से हमें स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगी। तो अब तक इसका नाम क्या था, ट्राई फॉस्फोनाइट्रिल क्लोराइड, अब इसका नाम हो जाएगा ट्राई फॉस्फोनाइट्रिलिक फ्लोराइड, क्योंकि क्लोराइन क्लोरीन की जगह क्या जुड़ गया, फ्लोरीन। तो सो इसका नाम होगा ट्राई फॉस्फोनाइट्रिलिक फ्लोराइड। तो ये देखो नाम याद करने का तरीका है, इसलिए एकदम से डायरेक्टली नहीं याद हो पा रहा है, रटा हुआ नहीं है, क्योंकि देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हम इसके आधार पर नाम, जैसे अगर इसका नाम यहाँ पर 4 रख दूं तो इसका नाम पहले क्या होगा, टेट्रा फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड। तो इसलिए हम देख करके आसानी से बता देते हैं इसका नाम। तो यहाँ पर तो आप 3 ही रखना। अब मैं आगे बढ़ते हैं, इसके बेसिक करेक्टर के बारे में बात करते हैं। हमारा जो मेन कंपाउंड है उसका थोड़ा सा बेसिक करेक्टर, आखिर वो बेसिक की तरह कार्य करता है या एसिडिक की तरह कार्य करता है। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हेडिंग डालेंगे बेसिक करेक्टर, ये एक बेसिक करेक्टर को शो करता है। हमारे जो ये कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसे स्पेसिफिकली अभी इन पर ध्यान ना दो, सिर्फ इस कंपाउंड पर ध्यान दो, ट्राई फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड, तो दोस्तों ये बेसिक नेचर होती है, मतलब इनका बेसिक नेचर होता है। जैसे आपको पता है कि एक एसिड होता है, एक बेस होता है, तो ये बेस होता है। अब कैसे पता चला कि ये बेस होता है, तो दोस्तों इन कंपाउंड में जो नाइट्रोजन एटम है इन पर लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर। अब देखिए जैसे कि ये 3 बॉन्ड तो इधर बना लिए इन्होंने, अब एक नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2.7 आएगा, तो यहाँ पर 7 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होगा 2.5। तो देखिए दोस्तों 5 में से 3 तो ये जनरली बॉन्ड बनाता ही बनाता है, लेकिन इसके पास जो बचे हुए होते हैं ये लोन पेयर होते हैं। अगर ये दोनों यूज हो गए तो कंपाउंड अनस्टेबिलिटी फील करता है। तो यहाँ पर ये जो लोन पेयर होता है दोस्तों, ये लोन पेयर, अब आप याद करो लुईस कॉन्सेप्ट बेसिक सेकेंड ईयर में, उसमें क्या था कि अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट, बेस इज ए सब्सटेंस विच कैन डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि बेस वो सब्सटेंस है जो कि लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, और एसिड क्या है, एसिड इज ए सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर क्या होगा, बेस, अब ये बेस का कार्य क्यों कर रहा है, क्योंकि अपना लोन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड, जैसे कि आपने इस कंपाउंड में देखा डबल बॉन्ड भी बनाता है, तो इसीलिए इसी बेसिक करेक्टर शो करता है। अब भाई पता कैसे लगा कि बेसिक करेक्टर शो करता है, तो जैसे आपको दिखाई दे रही है जो एसिड है, ये एसिड जो है इसके साथ जब रिएक्शन कराई हमने, आपको पता है कि एसिड प्लस बेस, एसिड और बेस मिलकर के सोल्ट बनाते हैं। आप 10th क्लास से या बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो कि एसिड प्लस बेस मिलकर सोल्ट बनाते हैं। तो ये एसिड, ये एसिड, ये बेस, ये एसिड, ये बेस, ये एसिड, ये बेस, मतलब कि अब ये आपस में एसिड बेस मिलकर के यहाँ पर सोल्ट बनाते हैं। इसे हम एडिशन प्रोडक्ट बोल रहे हैं। क्यों एडिशन प्रोडक्ट इसलिए बोल रहे हैं, क्योंकि ये इसी में ही ऐड हो जाता है, इसमें कुछ एलिमिनेशन नहीं होगा, डायरेक्टली ये जो भी आप एसिड लोगे ये इसे ऐड कर लेता है, क्योंकि ये पॉलीमराइज, मतलब कि एक करेक्टर होता है, पॉलीमराइज मतलब कि जो पॉलीमर का एक करेक्टर होता है वो यही होता है। तो ये इसका बेसिक नेचर क्यों होता है, आपको पता लग गया भाई, इनके पास जो नाइट्रोजन एटम है उस पर लोन पेयर होता है, जिसे ये डोनेट करके बेसिक करेक्टर को शो करते हैं। तो यहाँ पर ये एसिड ये हमारे पास ये बेस का कार्य करते हैं। अगर इनकी इन बेस की रिएक्शन अगर हम एसिड के साथ कराते तो हमें सोल्ट प्राप्त होता है, जो ये शो करता है कि एक बेसिक नेचर के होते हैं। दोस्तों हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ट्राई फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड, अब हमारा यही रह गया था, और इसके बेस पर बहुत सारे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन कंपाउंड था वो यही था ट्राई फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड, जिसपे हम बहुत सारे रिएक्शन हमने केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, सबसे पहले ये जो ये दो स्ट्रक्चर क्या बता रहे हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर ये बता रहे हैं कि भाई ये एरोमेटिक करेक्टर शो करता है। कैसे पता चला कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं ये फिक्स नहीं है, ये डीलोकलाइज हो रहे हैं, जिसके कारण देखिए अब यहाँ पर इस कंडीशन में यहाँ पर है, इस कंडीशन में इस जगह है, तो ये डीलोकलाइज हो रहे हैं। जैसे बेंजीन में आपने देखा होगा जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइजेशन हो रहा था उनका, ये इसमें घूम रहे थे, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये एरोमेटिक करेक्टर शो करता है। ये भी 6 मेंबर्ड एक रिंग है, ठीक है। अब इसकी बात करें, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा तो ये इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है, जो एंगल है तो वो 100 डिग्री है यहाँ सर, और इसके अंदर की तरफ अगर हम बात करें तो 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब इसके बॉन्ड लेंथ की बात करें, फास्फोरस और नाइट्रोजन के बीच जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.16 एंगस्ट्रॉम है,
लेकिन अगर हम बात करें फास्फोरस और क्लोरीन के बीच, तो यहाँ पर बॉन्ड जो दिख रहा है आपको वो 2.04 एंगस्ट्रॉम का बॉन्ड आपको नजर आएगा। अब देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा नोट्स में से पढ़ करके आपको इसके कुछ यूजेस बता देता हूँ, क्योंकि ये थ्योरेटिकल है तो थोड़ा आप लिख लेंगे। अब यूजेस की अगर हम बात करें तो दोस्तों, यूजेस में सिलिकॉन का जो इंडस्ट्रियल फॉर्मेशन, मतलब कि सिलिकॉन के निर्माण के लिए ये जो कंपाउंड है, ये कैटलिस्ट का कार्य करते हैं। कैटलिस्ट का मतलब होता है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होते हैं? जो किसी भी रिएक्शन के रेट को इनकी या तो घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं। मतलब कि आप ये समझ सकते हैं उत्प्रेरक को, जैसे कि आप जैसे दो युवकों में दो बंदे हैं जो लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आकर के किसी बंदे को कहूं कि तुम इससे पिट गए, या फिर उसे बोल, या फिर उसे वालों की अरे यार तुम इससे पिट गए, तो उनके बीच क्या होगा कि उनके बीच लड़ाई और ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उन्हें इंसल्ट फील होगी, वो तुरंत और ज्यादा लड़ाई करना स्टार्ट कर देंगे। तो मैंने क्या किया, मैं जाकर के वहां पर उत्प्रेरक का कार्य कर रहा हूँ, कैटलिस्ट का कार्य कर रहा हूँ। मेरे उस लड़ाई से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं उसमें कोई भी भाग नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैंने उनके बीच जो रिएक्शन का रेट है, मतलब उनकी लड़ाई की जो रेट है वो बढ़ा दी। तो ठीक इसी प्रकार से ये कैटलिस्ट का कार्य करते हैं सिलिकॉन के निर्माण के लिए, ठीक है। अब उसके बाद मैं यहां पर पढ़कर बता देता हूं कि और क्या है। अग्नि प्रतिरोधक कपड़े बनाने में दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जैसे आग लग गई, बहुत सारे जो कपड़े होते हैं वहां पर आग लग जाती है, तो जैसे अग्नि प्रतिरोधक मतलब कि जो अग्नि का प्रतिरोध कर सके, मतलब जिस ऐसे कपड़े जिन पर आग बड़ी मुश्किल से लगे, उस तरह के कपड़े बनाने में इसका यूज किया जाता है, फॉस्फाजीन का यूज किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करें इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, तो स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, अब ये जो आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन तकनीक के द्वारा देखा गया है। ये ऐसे नहीं बता दिया कि यहाँ पर 100 डिग्री का एंगल आ रहा है और यहाँ पर 1.60 एंगस्ट्रॉम का आ रहा है। इसके लिए हमने सबसे पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन तकनीक के द्वारा इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर को देखा, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा। सो यहाँ पर ट्राइफॉस्फोनाइट्रिल क्लोराइड एक 6-membered रिंग की स्ट्रक्चर होती है, जो कि एक ही प्लेन में होती है। तो रिंग में, मतलब कि यहाँ पर जो हमारी रिंग है, रिंग में फॉस्फोरस तथा नाइट्रोजन अल्टरनेट अवस्था में होते हैं। आपको पता है कि भाई एक के बाद एक आता है, तो उसे हम बोलते हैं अल्टरनेट पोजीशन, जिनके बीच जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.60 एंगस्ट्रॉम मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है। यहाँ पर बेंजीन की तरह ये भी रेजोनेंस को शो करते हैं। मैंने आपको बताया भाई पाई बॉन्ड जो है उनका डीलोकलाइजेशन होता है, ये घूमते रहते हैं, तो इसी चीज को हम रेजोनेंस बोलते हैं। तो बेंजीन की तरह ये भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर को शो कर रहे हैं। सो इनमें एरोमेटिक करेक्टर भी पाया जाता है, तो हम कह सकते हैं भाई इनमें थोड़ा बहुत एरोमेटिक करेक्टर भी पाया जाता है। अब इसमें जो रिंग है वो नाइट्रोजन एटम जो होता है रिंग के अंदर, वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। इसमें जितने भी नाइट्रोजन एटम आपको दिखाई दे रहे हैं ये sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2 होती है। और हमारे पास जो फास्फोरस है उसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। तो हमें दो प्रकार से हमें हाइब्रिडाइजेशन प्राप्त हो गया। ये MCQs में कई बार पूछा गया था कि नाइट्रोजन की ट्राइफॉस्फोनाइट्रिल क्लोराइड में जो नाइट्रोजन एटम होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है, तो वहां पर ऑप्शनल में दे दिया जाता है। अगर वहीं पर पूछ दे भाई फास्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो, तो इसकी sp3, इसकी sp2, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो मैंने को बताया कि यहाँ पर 100 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है, और अंदर की तरफ अगर देखें तो 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस स्ट्रक्चर की जो पुष्टि है वो रमन तथा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा में भी होती है। आपको पता है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर कंपाउंड को बहुत अच्छी तरह से डिटेल में स्ट्रक्चर में अध्ययन करते हैं, तो वहां पर भी इस चीज की पुष्टि होती है कि ट्राइफॉस्फोनाइट्रिल क्लोराइड की जो स्ट्रक्चर है वो pπ-dπ बॉन्ड होते हैं, pπ-dπ बॉन्ड, जबकि बेंजीन में pπ-pπ बॉन्ड होते हैं। तो ट्राइफॉस्फोनाइट्रिल क्लोराइड की जो pN दूरी है वो 1.6 एंगस्ट्रॉम सामान्य और फास्फोरस और नाइट्रोजन के बीच जो बॉन्ड एंगल है वो 1.78 एंगस्ट्रॉम के अप्रोक्स से कम है, जिससे कि प्रदर्शित होता है कि पाई इलेक्ट्रॉनों जो पाई बॉन्ड है इनके बीच जो पाई बॉन्ड बना हुआ है, ये जो फास्फोरस और नाइट्रोजन के बीच जो पाई बॉन्ड बना हुआ है इनके बीच ओवरलैपिंग पर्याप्त रूप में होती है। ओवरलैपिंग मैंने आपको बताया था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जैसे एक s होता है, ठीक है, एक एक्स कक्षक, यहीं पर अगर मैं एक p कक्षक या फिर दूसरा s कक्षक दिखा दूं, ठीक है, ये s ऑर्बिटल, ये वाला भी s ऑर्बिटल, ये आपस में ओवरलैपिंग इस प्रकार से हो जाती है इनके बीच में इस प्रकार से, ठीक है। अब इनके बीच बन जाता है बॉन्ड, लेकिन ये ओवरलैपिंग 50% से कम होनी चाहिए, वरना न्यूक्लियस का अटैच हो जाएगा, जिसके कारण जो है एक मॉलिक्यूल अनस्टेबल फील करेगा। तो 50% से कम ओवरलैपिंग होनी चाहिए, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग जो है इस प्रकार से हो जाती है, अच्छी खासी ओवरलैपिंग हो जाती है, जिसके कारण इनका बॉन्ड एंगल मैंने आपको बता दिया कि पर्याप्त रूप में होता है। तो ये दोस्तों स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइफॉस्फोनाइट्रिल क्लोराइड था।
उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी और आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि सभी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और इस चैनल पर बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड 11th+12th के केमिस्ट्री के सिलेबस अपलोड किए जाते हैं।